हेलो दोस्तों, क्या हालचाल हैं आपके। फैक्टोपीडिया की नई वीडियो पे वेलकम है आपका। इससे पहले कि फैक्ट्स का सफर हम शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नंबर वन दोस्तों, सबसे पहले इंडिया के नाम से शुरू करते हैं। इंडिया वो वाहिद दुनिया का मुल्क है जिसके तीन नाम हैं, पहला भारत, दूसरा हिंदुस्तान और तीसरा इंडिया। नंबर टू दोस्तों, इंडिया पोस्टल नेटवर्क के हिसाब से दुनिया के पहले नंबर पर है। इंडिया में 155,000 से भी ज्यादा पोस्ट ऑफिस है। एक सिंगल पोस्ट ऑफिस एवरेज के हिसाब से 7,175 लोगों की जरूरत पूरी करता है और दुनिया का ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी इंडिया में है। नंबर थ्री दोस्तों, इंडिया में 2011 में कुंभ के मेला में लोगों की इतनी बड़ी तादाद शामिल थी कि ये तकरीबन 75 मिलियन तक लोग आए थे और ये क्राउड स्पेस से भी नजर आ रही थी। नंबर फोर मैसिनराम, ये एक गांव है इंडिया में खासी हिल्स मेघालय पर। इस गांव में पूरा साल बहुत ज्यादा बारिश होती है। असल में पूरी दुनिया में पूरे साल में सबसे ज्यादा बारिश इसी गाँव में होती है। और दोस्तों, चिरापुंजी जो कि मेघालय का एक हिस्सा है, उस जगह के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 1861 के कैलेंडर में वहां बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, वहां दो दिन लगातार बारिश हुई थी। नंबर फाइव दोस्तों, क्रिकेट का सबसे ऊंचाई पर बनाया गया ग्राउंड इंडिया में चायल में है। ये ग्राउंड 1893 में बनाया गया और ये चायल मिलिट्री स्कूल का हिस्सा है। नंबर सिक्स दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि शैम्पू का सबसे पहले नाम चैम्पू था और ये इंडिया में इन्वेंट किया गया था। पर दोस्तों, कमर्शियल लिक्विड वाला शैम्पू नहीं, जड़ी बूटियों से बनने वाला शैम्पू। नंबर सेवन दोस्तों, 2020 से पहले कबड्डी के जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं वो सारे के सारे इंडिया ने जीते हैं, चाहे वो मैन के हो या वुमेन के। नंबर एट दोस्तों, स्विट्जरलैंड में साइंस डे इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट मरहूम सर APJ अब्दुल कलाम को डेडिकेट किया गया है और वहाँ 26 मई को साइंस डे मनाया जाता है। नंबर नाइन दोस्तों, इंडिया में पहला रॉकेट 19 अप्रैल 1975 को बनाया गया। इंडिया में पहला रॉकेट बहुत हल्का और छोटा था कि इसको साइकिल पर ट्रांसपोर्ट किया गया था। नंबर टेन दोस्तों, इंडिया दुनिया के सेकंड नंबर पर इंग्लिश बोलने वाला मुल्क है। इंडिया में 125 मिलियन लोग इंग्लिश बोलते हैं और ये इंडिया की सिर्फ 10% पॉपुलेशन है। नंबर 11 दोस्तों, ये फैक्ट जानकर मैं भी हैरान रह गया था। क्या आपको पता है कि इंडिया में 20-40% लोग वेजिटेरियंस हैं, जिसकी वजह से इंडिया दुनिया के पहले नंबर पर वेजिटेरियन कंट्री है। नंबर 12 दोस्तों, 2018 में इंडिया ने पूरी दुनिया का 22% मिल्क प्रोड्यूस किया है। 2018 में इंडिया ने 186 मिलियन टन मिल्क प्रोड्यूस किया है। मिल्क प्रोड्यूस करने में इंडिया दुनिया के पहले नंबर पर आता है। नंबर 13 दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर वो वाहिद इंसान है जिन्होंने दो मुल्कों की नेशनल एंथम लिखी है। एक तो उन्होंने इंडिया की नेशनल एंथम लिखी है और दूसरी बांग्लादेश की नेशनल एंथम भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। नंबर 14 दोस्तों, 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में जब जर्मनी इंडिया से 8-1 से हॉकी में हारा तो हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को बुलाया और जर्मन सिटीजनशिप देने का वादा किया। जर्मन मिलिट्री में हाई पोस्ट और जर्मनी की तरफ से खेलने की ऑफर की, पर मेजर ध्यानचंद ने ये ऑफर डिक्लाइन कर दी थी। नंबर 15 दोस्तों, ये फैक्ट ध्यान से सुनना, ये बड़ा अमेजिंग फैक्ट है। हीरे पहली दफा 4th century में इंडिया में मिले थे, फिर उसके बाद 18th century में ब्राजील में मिले थे और 1896 से पहले हीरे सिर्फ इंडिया में ही मिले थे। नंबर 16 दोस्तों, दो ऐसी मशहूर गेमें जो कि सारी दुनिया में खेली जाती हैं, पहली चेस जो कि 6th century में इंडिया में इन्वेंट की गई और दूसरी स्नेक्स एंड लैडर्स जो कि 13th century में इंडिया में इन्वेंट की गई थी। नंबर 17 दोस्तों, आपने मार्शल आर्ट्स का नाम तो सुना होगा, तो आप ये भी जान लें कि मार्शल आर्ट्स सबसे पहले इंडिया में स्टार्ट किया गया था और ये बाद में एशिया में फैला था। नंबर 18 दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी पुरानी जगह हैं जो कि सुनसान पड़ी हैं, वहाँ अब कोई भी नहीं रहता, मगर इंडिया में 5,000 साल पुराना वाराणसी पुरानी जगहों में से वो जगह है जो आज भी आबाद है। नंबर 19 दोस्तों, दुनिया में कोई ऐसा घर नहीं जिसको दरवाजे ना लगे हों, मगर इंडिया में एक गांव ऐसा भी है जहां घर खुले रहते हैं जी, बिल्कुल शनि सिंगापुर वो जगह है जहां घरों के दरवाजे नहीं लगे हुए। नंबर 20 बैनी प्रसाद वो इंडियन है जिन्होंने बैंटर जो कि एक बोंगो गिटार है वो पहली दफा दुनिया में उन्होंने बनाया था। उसके अलावा उन्होंने ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते करते सारी दुनिया भी घूमी, जिसका फास्टेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उनके पास है जो कि 6 साल 6 महीने और 22 दिन में उन्होंने दुनिया घूमी थी। नंबर 21 दोस्तों, इस फैक्ट का मुझे नीचे कमेंट्स में बताना अगर आपको पता था, ऑस्ट्रेलिया की जितनी पॉपुलेशन है उतने लोग इंडिया में हर रोज ट्रेन में सफर करते हैं। इंडिया में 7,172 से भी ज्यादा ट्रेन स्टेशन है और इंडिया रेलवेज एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, इसमें 12,617 ट्रेन है। नंबर 22 दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली इंडिया में रहती है, मिस्टर ज़ियोना चना की फैमिली। इस फैमिली के 181 मेंबर्स हैं जिनमें से मिस्टर ज़ियोना की 39 बीवियां हैं और 94 बच्चे हैं और मिस्टर ज़ियोना चना इस फैमिली के लीडर हैं।
नंबर 23 दोस्तों, इंडिया की एक मशहूर जगह द गोल्डन टेंपल ऑफ अमृतसर दुनिया की मोस्ट विजिटेड प्लेस है और इस वजह से इसका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। नंबर 24 दोस्तों, इंडिया में 300,000 से भी ज्यादा मस्जिद एक्टिव हैं जो कि किसी भी मुस्लिम कंट्री से भी ज्यादा हैं। नंबर 25 दोस्तों, बंगाल टाइगर इंडिया का नेशनल एनिमल है, इंडिया की नेशनल गेम हॉकी है और इंडिया की नेशनल ड्रिंक चाय है। नंबर 26 पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया दुनिया के दूसरे नंबर पर है। इंडिया की पॉपुलेशन 1,38,04,385 की है। नंबर 27 दोस्तों, इंडिया में दुनिया के 40% आम उगाए जाते हैं और इंडिया ही में दुनिया के सबसे ज्यादा आम उगाए और खाए जाते हैं। नंबर 28 दोस्तों, इंडिया में एक बंदे के लिए भी वोटिंग पोल सेटअप किया जाता है। मानत भारतदास जो कि मिडिल ईस्ट ऑफ गिर फॉरेस्ट गुजरात में अकेले रहते हैं, उनके लिए वोटिंग पोल सेटअप किया जाता है। नंबर 29 दोस्तों, दुनिया के 70% मसाले सिर्फ इंडिया में बनाए जाते हैं। नंबर 30 दोस्तों, 2016 में इंडिया में 24 घंटों में 50 मिलियन ट्रीज गाए गए थे जो कि एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट्स में बता दें ताना, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।